एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम ने करवट ली है। बारिश के साथ ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को 30 जनवरी को भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिम विपक्ष यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं। उत्तर भारत में आज भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। ऐसे में एक बार फिर तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड लौट रही है। आईएमडी के मुताबिक हरियाणा के यमुनानगर, कोशली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूह, औरंगाबाद और यूपी के सहारनपुर, गंगोर, शामली, मुजफ्फरनगर, कादला, खतौली और आसपास के इलाकों में आज सोमवार 30 जनवरी को भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। वहीं चांदपुर, बड़ौद, दौरला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड़, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ आज तूफान का भी अलर्ट है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वीकेंड से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में रात भर तेज गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रही। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार सोमवार 30 जनवरी को भी उत्तर भारत के राज्यों में बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तापमान की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आईएमडी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में सर्दी का दौर बारिश की वजह से लौटा है, लेकिन यह आखिरी दौर है। ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ रही है। फरवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली एवं यूपी में कोहरे का भी असर देखने को मिल सकता है। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।